असलामुअलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है ड्रम स्टिक टिक्का। और टिक्का ड्रम स्टिक जो हम कैसे बनाएंगे, किस तरह बनेगी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, असलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये देखो, मैंने ना ऐसे ना टक लगा लिए इसे सबको, ऐसे से लंबे कट लगा के। हाँ जी, तो ये ना मैं ना सारा पैकेट डाल देती हूँ। ठीक है, टिक्का मसाला डाल दिया। हाँ जी, ये मैंने ना डाल दिया। तो इसको मैगिनेशन मतलब हाँ जी कर रहे ये हैं। मैं फ्रिज में रख दूंगी ना, फिर शाम को तल लेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दही भी रखी हुई है। हाँ जी, दही भी मैं डालती हूँ इसमें। बस ये दो चीज़ें ही हमने यूज़ करी हैं, ये मसाला जो डाल दिया बाजार से हमने। ठीक है, ये 5 चम्मच मैंने दही के डाले। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको मैरिनेट करके हमने रेफ्रिजरेटर में रखना है कि मतलब बाहर ही नॉर्मल नहीं, नहीं बेटा अंदर ही रखेंगे। रेफ्रिजरेटर में रखना है हमको, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं, रेफ्रिजरेटर में इसको रखना है। अच्छी तरह ना मिक्स हो जाएगा ये, देखिए ना अच्छी तरह मिक्स हो गया। ठीक है, अब ये रख देते बस। अब इसको मैगिनेट करके रख देते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। कितनी देर के इसको मतलब मैगिनेट करके रखें? अगर एक दिन पहले रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपने 2-3 घंटे पकाना है तो 2-3 घंटे पहले लगा दें। हम लोगों ने आप लोगों के सामने इसकी मैगिनेशन करके इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, तो अब इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखिए तेल हम लोगों ने गरम कर लिया था। तेल गरम करने के बाद हम लोगों ने जो से चिकन है यानी कि ड्रम स्टिक जो सी हैं वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी हैं। बस मैंने चीनी डाली है, तो इनको हम लोगों ने धीमी आंच पर बनाना, क्योंकि जो चिकन है वो कच्चा है और कच्चा अंदर से मतलब ना रह जाए, इसको अच्छे से पकाना है हम लोगों ने। इसको हम लोग पकाते हैं, इसे साइड चेंज करके आपको दोबारा दिखा देना। उल्टा दिए हैं ये देखें, वो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब ये कच्चे हैं, थोड़े से और पक जाएँ, ये देखें ना माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। अभी डार्क करेंगे इसे थोड़ा सा और ना ये गल भी जाएगा इसमें, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ी देर इसको पकाते हैं और आपको रिजल्ट करके दिखाते हैं। डार्क हो गई है, अब मैं थोड़ी देर तक ना इसे निकालती हूँ। आप बनाएं माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। चिकन तो फ्राई करते रहते हैं लेकिन आज हमने आपके साथ टिक्के मसाले की वजह से बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि ये मसाला मैंने दूसरा लगाया था ना टिक्का फ्राइड ड्रम स्टिक हमारी रेसिपी है। तो ड्रम स्टिक हम लोगों ने आप लोगों के सामने फ्राई कर ली है। तो आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हम अपने फीडबैक जरूर दें। और अगर तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को विद नाज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो अच्छी अच्छी टेस्टी अच्छी वीडियो भी मिलते रहें। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से डार्क कलर देने के बाद डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फीडबैक दें। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है ड्रम स्टिक टिक्का हम लोगों ने आपके सामने तैयार की है, टिक्का फ्राइड ड्रम स्टिक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। और ये है उसका फाइनल लुक, जो चिकन है वो भी जा चुका है। हम लोगों ने कितना सा कच्चा चिकन था वो भी उसको मैरिनेशन करने के बाद हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और आप लोगों के सामने उसको फ्राई किया है। तो गर्मा गर्म जो ड्रम स्टिक है वो तैयार हो गई है। तो भी बड़ी उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो भी बड़ी देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।